दोस्तों आज आप इस मूवी में एक ऐसी फैमिली को देखोगे जो 35 सालों के लिए एक गुफा में फंस जाती है। इतने समय बाद भी ये फैमिली मरती नहीं है, जिंदा रहती है, बल्कि उस गुफा में इनका एक बच्चा भी होता है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा। ये कहानी शुरू होती है 1962 से, जहां पर हमें डॉक्टर कैल्विन को दिखाया जाता है जो कि एक वैज्ञानिक है। ये वो समय है जिस समय अमेरिका और रशिया का लड़ाई चल रहा था। अमेरिका के अंदर हर तरफ ये अफवाह थी कि रशिया कभी भी न्यूक्लियर बम यूज कर सकता है अमेरिका के ऊपर। इसीलिए डॉक्टर कैल्विन ने अपने घर के पीछे एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया हुआ था जो कि उनको परमाणु बम के समय बचा सके। ये बंकर पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ये बंकर बहुत स्ट्रांग होता है, इसका परमाणु बम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब एक दिन डॉक्टर कैल्विन के घर पे पार्टी होती है, तभी ये टीवी पे न्यूज देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति रशिया को ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे परमाणु बम से नहीं डरते और उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। डॉक्टर कैल्विन को अब ये कंफर्म हो गया था कि अब परमाणु बम होकर ही रहेगा, इसलिए वो सबको कहते हैं कि आप सभी अपने घर पे जाओ। ये खुद भी अपने घर के पीछे चले जाते हैं उस बंकर में अपने बीवी को लेकर जो कि प्रेग्नेंट होती है। उसी रात उनके घर के ऊपर एक फाइटर प्लेन दिखाया जाता है के इंजन में खराबी आ जाती है और वो उड़ते उड़ते जमीन पे गिरने लगता है और अनलकीली प्लेन क्रैश होकर उस डॉक्टर के घर पे ही गिरती है। इनको लगता है कि रशिया ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है, अब न्यूक्लियर युद्ध होकर रहेगा। इसलिए वो जिस बंकर के अंदर गए हुए थे उस बंकर को पूरी तरह से लॉक कर लेते हैं। एक बार इस बंकर के लॉक होने का मतलब है कि अब ये 35 साल बाद ही खुलेगा। इन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जहां पर भी परमाणु बम गिरता है वहां पर 35 सालों तक वायरस रहता ही है, इसलिए ये लोग 35 सालों के लिए अपने आप को लॉक कर लेते हैं। यानी कि अब वो अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ यहां पर फंस चुके हैं और 35 सालों तक वो लोग यहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकते। कैल्विन के पड़ोसियों को यह लगता है कि प्लेन गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई, इसलिए उनके घर को उसी तरह छोड़ दिया जाता है। वही जमीन के नीचे बंकर में ये दोनों काफी परेशान होते हैं कि धरती के ऊपर क्या हो रहा होगा। कैल्विन ने अपने बंकर के अंदर 35 सालों के लिए जो चीजें यूज हो सकती थी वो सारी चीजें ला दी थी, यानी कि 35 सालों तक इस बंकर में रह सकते हैं। अब कुछ समय बाद उसकी पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। ये दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा मानव जाति को आगे बढ़ाएगा। उनको ऐसा लगता है कि ऊपर परमाणु बम की वजह से सारे इंसान खत्म हो चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे समय बीतता है और इनका बेटा 1 साल का हो जाता है। ये लोग खाने के लिए धरती के नीचे खेती करते हैं। अब इसका साइंस मूवी में नहीं बताया गया, इन्होंने एक फिश टैंक भी रखा था जहाँ से लोग मछलियाँ पकड़ते थे और इनको खाकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ये अपने बेटे को हर तरह की नॉलेज देते हैं। बंकर में होने के बावजूद भी उसके बेटे के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ना ही उसके एजुकेशन में, ना ही उसके खाने पीने में। वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। इवन उसकी मॉम कभी कभी उसको डांस भी सिखाती है और उसके डैड उसको फिजिक्स और पॉलिटिक्स सिखाते हैं। इतना ही नहीं, उसके फैमिली वाले उसको बॉक्सिंग भी सिखाते हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे थे कि इनको लगता था कि उनका बेटा दुनिया की सारी चीजें सीख सके। इनकी जिंदगी मस्त बीत रही थी यहाँ पर। यही हम इनके घर के ऊपर मतलब बंकर के ऊपर देखते हैं कि वहां पर एक दारू का अड्डा खुल गया है। इसी तरह समय बीतता जाता है और 30 साल बीत जाते हैं। अब मात्र 2 साल बचे हैं जब ये लोग इस बंकर से बाहर निकलेंगे। ये इनके लिए बहुत राहत की बात होती है। अब ऐसे ही 2 साल बीत जाता है। अब वो दिन आता है जब ये लोग बाहर निकलेंगे और बाहर की दुनिया देखेंगे, मतलब कि अब वो दरवाजा खुलने का समय आ गया है। बंकर के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं क्योंकि 35 सालों के लिए ऑटो लॉक हो गए थे। कैल्विन कहता है कि मैं रात को बाहर जाकर देखूंगा कि वहां का वातावरण कैसा है। रात को वो अपना येलो कलर का सूट पहन लेता है जो कि रेडिएशन से बचने के लिए बनाया गया था और लिफ्ट से ऊपर आता है। बाहर जब वो आता है तो देखता है एक आदमी को। वो आदमी कैल्विन को देखकर इतना डर जाता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। कैल्विन बाहर आकर देखता है कि उसका घर एक बार में बदल गया है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि चारों तरफ क्राइम हो रहा है। ये दुनिया पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुकी है। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती है कि जिसके बारे में कैल्विन ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इस समय में गरीबी और क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है। कैल्विन सोचता है कि सब लोग न्यूटन हो चुके हैं, इसीलिए वो वापस बंकर में आ जाता है और अपने बीवी और बच्चों को बताता है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। हम बाहर जाने के बाद सुरक्षित नहीं रहेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, अब बाहर लोग न्यूटन बन चुके हैं, हमें यहीं पे रहना होगा। ये बात सुनकर कैल्विन की बीवी अपना आपा खो देती है और पागलों जैसा बिहेव करने लगती है क्योंकि वो 35 सालों से इस जगह पे फंसी हुई है और वो इस जगह पे और नहीं रहना चाहती। बट कैल्विन कैसे भी उन्हें समझा देता है। धीरे धीरे इनकी फूड सप्लाई खत्म होने लगती है, साथ ही कैल्विन को हार्ट अटैक भी आ जाता है। अब कैल्विन के बेटे को ऊपर सप्लाई लेने जाना ही पड़ेगा। इसका नाम एडम होता है। एडम की मामों से कहती है कि तुम ऊपर जाओ और जरूरत की सारी चीजें लेकर आओ। कैल्विन को जब पता चलता है कि उसका बेटा बंकर से बाहर जा रहा है तब वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि बाहर एक गंदी किताबों की दुकान है और उस दुकान के पास तुम बिल्कुल नहीं जाओगे क्योंकि रेडिएशन वहां पर सबसे ज्यादा है। और अब एडम पहली बार निकलता है इस बंकर से बाहर जहां पर वही आदमी बैठा होता है और जब ये बाहर निकलता है तो फिर से आदमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद एडम पहली बार बाहर की दुनिया देखता है। उसे सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे सब कुछ यहाँ पे नया लग रहा था। वो जाता है एक ऐसे स्टोर पे जहाँ पर उसके घर की चीजों के सामान मिल सके। तभी वो पहुंच जाता है उस बुक स्टोर के पास। उसके पिता ने उसको बताया था कि यहाँ पे जहरीली रेडिएशन है, इसलिए यहाँ से दूर रहना। इसलिए वहां पे पहुंचने के बाद शोर मचाना शुरू कर देता है, इसलिए सब लोग यहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। अब एडम बस पकड़ के स्टोर की तरफ निकल जाता है। बस में भी वो 1960 की बातें कर रहा था जो लोगों को बहुत अजीब लगती है, किसी को भी उसकी बातें समझ नहीं आती। अब इतनी मशक्कत के बाद वो पहुंच जाता है सुपर मार्केट और वहां पे जब वो अपने घर के लिए सामान ले रहा था तब वहां पर एक आदमी कहता है कि अगर आपका सामान ज्यादा है तो मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचा दूंगा। यहाँ एडम को पहली बार ये एहसास होता है
है कि वो यहाँ तक तो आ गया लेकिन उसके वापस अपने घर जाने का रास्ता नहीं मालूम, यानी कि अब वो इतने बड़े शहर में खो चुका है। वो बहुत कोशिश करता है उस बार को ढूंढने का जिसके अंदर उसका बंकर है। इन सब चीजों के चक्कर में उसके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। वो एक दुकान पे जाता है जहाँ पर उसके पिता ने उसको कुछ चीजें दिए थे, उसी में से एक होता है बास्केटबॉल की टिकट। वो उन कार्ड को बेच देता है और उसके बदले में दुकानदार उसे $500 देता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी दुकानदार की असिस्टेंट ईव आ जाती है वहाँ पर और वो उसे बताती है कि तुम्हारे कार्ड के डॉलर $500 नहीं बल्कि तुम्हारे पर कार्ड की कीमत $6,000 है। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये लड़की समझ आती है कि इस लड़की के पास बहुत पैसा है, इसलिए वो अपना जॉब छोड़ देती है और उसके साथ निकल जाती है। एडम को ईव बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। इसके बाद एडम उसे कहता है कि क्या तुम मुझे होटल तक छोड़ दोगी। ये सुनकर वो लड़की भागने लगती है वहां से। तब ये कहता है कि मैं इसके बदले में तुम्हें 2 कार्ड दूंगा। ईवा उसको होटल तक छोड़ देती है। एडम उसे 2 कार्ड देता है और ईवा वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर से ईवा उसके पास आती है और एडम को 1 कार्ड वापस देने लगती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए उसको। इसके बाद वो ईवा से कहता है कि क्या तुम मेरी शॉपिंग करवाने में मदद करोगी, मुझे बहुत सारा सामान लेना है। जरासल इसे 2 साल की सप्लाई लेनी है ताकि वो 2 साल तक बंकर से बाहर ना निकले। वो ईवा से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, मतलब पर वीक के $1,000। इतना पैसा सुनकर ईवा उसकी बात मान जाती है और अब वो उसके लिए सामान खरीदना शुरू कर देती है। यहाँ एडम उससे ये भी कहता है कि उसे शादी के लिए एक लड़की चाहिए लेकिन शर्त यह है कि वो लड़की कैलिफोर्निया की होनी चाहिए क्योंकि एडम की मॉम ने उसे बताया था कि सिर्फ कैलिफोर्निया की लड़कियां ही खूबसूरत होती हैं और वहीं के लोग बस न्यूटन नहीं हुए हैं, बाकी सभी लोग न्यूटन बन चुके हैं। एक दिन ईवा एडम को अपने एक गे फ्रेंड से मिलाती है ताकि वो उसका पूरी तरह से मेक ओवर कर दे। अब ये एडम को बहुत नई नई चीजें सिखाते हैं। वो पहली बार समुंदर में नहाता है और लाइव बेसबॉल का मैच देखता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और उसने अपनी जिंदगी में पहली बार बारिश देखा है। हालांकि ईवा उसके लिए छाता लेकर आती है लेकिन उसे यह बहुत अजीब लगता है। वो कहता है कि मैं इस बारिश को एंजॉय करना चाहता हूँ। ईवा ने उसकी बहुत मदद की होती है इसलिए उससे कहता है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। ईवा हाँ कहती है और वो उसे बहुत जोर से गले लगा लेता है क्योंकि इसको नहीं पता कि लोगों से किस तरह से बिहेव करते हैं। हालांकि इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई होती है लेकिन फिजिकली लोगों से कैसे मिलते हैं ये उसको नहीं मालूम होता। और अब ईवा और उसके फ्रेंड उसको क्लब लेके जाते हैं ताकि वहां पर उसको कोई लड़की मिल जाए। एडम की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है इसलिए वहां पे एक लड़की उसे मिल जाती है लेकिन ये लड़की फ्रेंड्स होती है और एडम उसे फ्रेंड्स में बात करता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये चीज देखकर ईवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता इसलिए वो एडम को उस जगह से कहीं दूसरी जगह ले जाती है। यहाँ म्यूजिक प्ले हो रहा था और एडम यहाँ पे डांस करना शुरू करता है क्योंकि उसने बंकर में कई सालों तक डांस किया है जो कि उसकी मॉम ने उसे सिखाया था। उसकी डांसिंग स्किल देखकर सब वहाँ पर इंप्रेस हो जाते हैं। यहाँ कई लड़कियां होती हैं जो उससे बात करना चाहती हैं। ये ईवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ ईवा का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया हुआ था इसलिए ईवा उसके पास जाती है। कुछ समय बाद एडम भी उसके पास आता है और इनके बीच में पता नहीं कैसे लड़ाई हो जाती है। लेकिन यहाँ एडम को बॉक्सिंग आती है जो उसके पिता ने उसको सिखाया था। वो अपने स्किल से उसको बहुत मारता है। मार पीट करके ये लोग घर आते हैं। यहाँ ये दोनों बातें करते करते बहुत क्लोज हो जाते हैं और उसी रात ये लोग रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। यहाँ एडम अपनी जिंदगी का सारा सच उसे बताने लगता है। वो कहता है कि पिछले 35 सालों से वो बंकर में था। ये भी कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है और शादी के बाद वो उसी के साथ बंकर में रहे। ईवा को ऐसा लगता है कि इसका दिमागी हालत कुछ सही नहीं है इसलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इसको अपना बंकर भी मिल चुका है। ये अगली सुबह वापस आता है उसके घर लेकिन ईवा ने अपने घर पर एक डॉक्टर को बुला रखा है। ये दिमाग वाले डॉक्टर होते हैं। ये यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं ताकि वो एडम के दिमाग को चेक कर सके कि पागल है या नहीं। ये लोग एडम को जब हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं तब ये रास्ते में भाग जाता है और ईवा से कहता है कि होटल का बिल पे कर देना और साथ ही वहाँ पे मेरा सामान है उसे भी कलेक्ट कर लेना। अब दोनों जाते हैं उसके रूम में उसका सामान लेने के लिए जहाँ पे उसको उसका बहुत सारा सामान मिलता है और ये सारा का सारा सामान 1960 का होता है। इसे देखने के बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि एडम जो भी बोल रहा है वो सब सच है। एडम सच में 35 सालों से उस बंकर में था। एडम भाग कर बंकर में आया हुआ होता है और वहाँ आकर अपने मॉम डैड से मिलता है। ये पूरे 14 दिनों के बाद यहाँ पर आया हुआ है। उसके माँ बाप उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। ऊपर जो होमलेस आदमी था वो भी नीचे आ जाता है। यहाँ एडम खाने के लिए कई साल की सप्लाई ले आया था। यहाँ जो होमलेस आदमी होता है उसके जो साथी होते हैं वो इस फैमिली की काफी मदद करते हैं। यही ईवा को दिखा जाता है जो अपने दोस्त के साथ पूरे शहर में एडम को ढूंढ रही है और फाइनली उसे एडम दिख जाता है। वो एडम के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। इसके बाद एडम ईवा को अपने माँ बाप से मिलवाता है। ईवा जल्दी से उसके फैमिली में घुल मिल जाती है। एडम के पिता 10 सालों के लिए बंकर को बंद करना चाहते हैं बट एडम अपने पिता से कहता है कि उसे 2 महीने का और समय चाहिए, मुझे कुछ चीजों को ठीक करना है। अब वो ईवा के साथ 2 महीनों के लिए बंकर से निकल जाता है। उसके पिता 2 महीनों के लिए बंकर को बंद कर देते हैं। एडम के पिता ने 35 साल पहले बहुत से शेयर्स खरीदे थे जिनकी कीमत आज करोड़ों में है इसलिए एडम उस शेयर्स को बेचकर करोड़ों कमा लेता है। शहर से बहुत दूर जाकर एक घर बनाता है। ये घर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे 1960 में उनके माँ बाप का था। 2 महीने बाद वो अपने माता पिता को इस जगह पर लेकर आता है और अब वो अपने पिता को बताता है कि 1960 में कभी भी परमाणु युद्ध नहीं हुआ था और उनके घर के ऊपर जो बम गिरा था वो सिर्फ एक फाइटर प्लेन था। लेकिन उसके पिता को उसके बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। यही ईवा को दिखाया जाता है जो कि अपनी एंगेजमेंट रिंग से खेल रही होती है। यही ईवा के पिता को देखते हैं जो कि घर के बाहर बंकर बनाने की तैयारी कर रहे थे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी का स्टोरी आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।